बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन अकेडमी की तरफ से एक नई है नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं इंशाल्लाह उल अजीज़। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पोइम, दैट इज़ द रिबल, रिटन बाय डी जे इन राइट। इससे पहले चार पोइम्स मैंने आपके साथ शेयर की, कंप्लीट किया, उन्हें नोट्स आपके साथ शेयर किया, जितना ईजी हो सकता था एंड शार्ट हो सकता था आपके साथ शेयर किया। यकीनन आपने देखा होगा, अगर नहीं देखी वो वीडियोस, या फिर और आप किसी भी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं मॉडर्न एसेज की, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, रूल्स एंड रूल्स ऑफ करेक्शन, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। तमाम चीज़ें नोट्स हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में आपके साथ ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और कुछ ऐसा मल्टी मटेरियल शेयर करेंगे जो आपको एक्सप्लेनेशन में रट्टा लगाने से बचाएगा। सिर्फ दो तीन चार लाइनों में ही आप तमाम जो स्टेंजाज हैं इस पोएम के, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। और इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में वो आप मल्टी आंसर आपके साथ शेयर करेंगे जो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं इस पोएम के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली नीचे रेड बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचती रहें। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब हर कोई छोटे बाल रखता है, द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। रिबल पे ये इसका नाम है, रिबल इसका मीनिंग है बागी, यानी कि वो मुआशरे से अलहदा होकर चलने वाला। ठीक है जी, कहते हैं जब तमाम लोग जो हैं वो छोटे बाल रखते हैं तो रिबल यानी बागी वो अपने बालों को लंबा होने देता है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब हर कोई अपने बालों को लंबा रखता है, यानी जिस जगह पे, जहाँ पे, तो वहाँ या उस वक़्त जब तमाम अपने बालों को लंबा करते हैं तो ये अपने बालों को छोटा करता है, छोटा रखता है। ठीक है जी, व्हेन एवरीबॉडी एल्स इज़ ग्रोइंग शॉर्ट हेयर, बिल्कुल वही मतलब है, जब हर कोई अपने बालों को छोटा रखता है, द रिबल ग्रो हिज हेयर लॉन्ग। बट व्हेन द पीपल हैव लॉन्ग हेयर, जब लोग लंबे बाल रखते हैं, ही एक्ट्स अदरवाइज, ये उसका उल्ट करता है। He tries to preserve his individuality in all fields of life. क्यों करता है? Basically मकसद ये है कि वो कोशिश करता है अपनी इनफरादियत, यानी अपना अलहदापन, अपनी इनफरादियत को कायम रखने की, in all fields of life, अब ज़िंदगी के तमाम शोबों में वो अपनी इनफरादी हैसियत, अपनी एक अलहदा की हैसियत जो है वो कायम करने की कोशिश करता है। Next कहता है, when everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. कि जब हर कोई लेसन में, जब सबक पढ़ाया जा रहा होता है क्लास के दौरान, तो जब हर कोई क्वेश्चन करता है, पूछता है लेसन के अबाउट, तो वो एक लफ्ज़ तक नहीं कहता। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा होता, खामोशी से सुन रहे होते हैं, द रिबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो फिर वो शोर शराबा करता है। द रिबल डज नॉट टॉक ड्यूरिंग द लेसन व्हेन ऑल आस्क क्वेश्चंस, जब तमाम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो वो कुछ नहीं करता। बट ही ओनली आस्क क्वेश्चन, वो उस वक्त क्वेश्चन पूछता है, एट दैट टाइम व्हेन अदर आर साइलेंट, जब दूसरे खामोश होते हैं, ही वांट्स टू क्रिएट डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर पैदा करना चाहता है, बदनज़मी, बेजाबदगी, बेतरतीबी पैदा करना चाहता है। क्यों? ही ट्राइज टू प्रिजर्व हिज इंडिविजुअलिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के तमाम शोबाजात में, तमाम फील्ड्स में अपनी इनफरादियत कायम रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, जब हर कोई यूनिफॉर्म, वर्दी पहनता है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो वो अलहदा अलहदा भड़कीले, चमकीले, कई तरह के कपड़े पहनता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स, द रिबल ड्रेसेस सोबरली, जब हर कोई चमकीले और भड़कीले रंगारंग के कपड़े पहनते हैं, तो वो सादे कपड़े, सोबर एंड सिंपल, सिंपल जो ड्रेस है वो पहनता है। व्हेन एवरीबॉडी एल्स वेयर्स सोबर एंड सिंपल कलर्स, जब हर कोई सादा रंगी रंग पहनता है या एक जैसा रंग पहनता है, द रिबल ड्रेसेस अप इन ब्राइट एंड फैंटास्टिक कलर्स, तो वो भड़कीले कलर पहनता है। व्हेन अदर वेयर्स कलर्स, जब दूसरे कलर्स यूज़ करते हैं, ही प्रेफर्स सोबर एंड सिंपल ड्रेस, तो वो सादा पहनता है। ही वांट्स टू क्रिएट डिसऑर्डर, वो बेजाबतगी पैदा करना चाहता है, वो अलहदगी दिखाना चाहता है। ही ट्राइज टू प्रिजर्व हिज इंडिविजुअलिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम शोबों में अपना अलहदा ही एक जो है पहचान करवाना चाहता है, अपनी इनफरादियत को कायम करना चाहता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब वो कुत्तों से प्यार करने वालों की सोबत के पास बैठता है, द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो
तो वो बिल्लियों की परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें तरजीह देने की कोशिश करता है, उनसे मोहब्बत करने की, उनसे प्यार की बातें करता है। जो उन लोगों के पास बैठ के जो डॉग लवर्स हैं, जो कुत्तों के साथ प्यार करते हैं, इन दी कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब बिल्लियों से प्यार करने वालों के पास बैठता है, दिलीबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो कुत्तों की तारीफें करने शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये नीचे भी यकीनन बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है, व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, जब हर कोई सूरज की तारीफ कर रहा होता है, सूरज निकलने का इंतजार कर रहा होता है, इस बात को चाहता है, ये इस चीज को तरजीह देता है कि सूरज निकले, तो वो क्या करता है, द रिबन रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, वो बारिश की ज़रूरत पर बात करने लगता है कि बारिश की ज़रूरत है, बारिश क्यों नहीं हो रही। व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई बारिश का खुशी से इस्तकबाल कर रहा होता है, द रिबल रेग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो वो धूप की गैर मौजूदगी पर अफसोस करता है, यानी वो कहता है कि धूप मौजूद नहीं है, धूप को मौजूद होना चाहिए, यानी बारिश को नहीं आना चाहिए उस वक्त जब हर कोई कहता है कि बारिश आए। ठीक है जी, सो नेक्स्ट है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन, व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सनी वेदर, जब हर कोई जो है वो धूप वाला मौसम चाहता है, द रिबल सेज फॉर रेन, वो बारिश की बातें करता है, एंड व्हेन एवरीवन इज वेलकमिंग द रेन, जब हर कोई उसका इस्तकबाल करता है बारिश का, ही फील सॉरी फॉर द एब्सेंस ऑफ सनशाइन, तो वो धूप ना होने के पर सॉरी का इजहार करता है, जो है शर्मिंदगी महसूस करता है। बेसिकली ही ट्राइज टू प्रिजर्व हिज इंडिविजुअलिटी इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग पे जाता है, द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक्स, घर पे रह के वो किताब पढ़ते हैं। व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब हर कोई घर रह के किताब पढ़ता है, द रिबल गोज टू द मीटिंग, तो फिर वो फंक्शन अटेंड करने चला जाता है, वो मीटिंग पर जाता है। तो इस वजह से ये उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू सम फंक्शन, ही रिमेन्स लोनली एट होम एंड रीड्स अ बुक, बिल्कुल सिंपल है जो ऊपर मैंने आपको बताया। ही शोज दैट ही इज नॉट अ सोशल बींग, ये नया जो है एक सेंटेंस है, वो बेसिकली जाहिर ये करता है कि वो एक समाज का हिस्सा नहीं है, वो समाजी नहीं, यानी वो मुआशर नहीं, मुआशरे के साथ रह के चलने वाला नहीं, सोशलेबल बींग, ठीक है, तो मुआशी नहीं, वो समाजी नहीं, जिस तरह के बाकी लोग समाज का हिस्सा हैं, वो समाज का हिस्सा नहीं। हाउएवर व्हेन एवरीबॉडी रिमेन्स एट होम, जब हर कोई घर पे रहता है, ही गोज टू अटेंड द फंक्शन, वो फंक्शन अटेंड करने चला जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, कि जब किसी को जो है वो कोई ऑफर की जा रही हो, तो उस ऑफर के रिस्पॉन्स में जब हर कोई कहता है यस प्लीज, हाँ जी प्लीज़ मुझे मेहरबानी कीजिए, मुझे दीजिए, या इस ऑफर को मैं कबूल करता हूँ, दिलीबल सेज नो थैंक यू, वो जो बागी है वो कहता है नहीं मेहरबानी मुझे नहीं चाहिए। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, जब हर कोई कहता है कि नहीं हमें नहीं ये चाहिए, दिलीबल सेज यस प्लीज़, वो कहते हैं हाँ जी ये मुझे चाहिए। वही बात है कि उल्टी चालें चलता है, रिबल रिजेक्ट्स एन ऑफर व्हेन ऑल एक्सेप्टेड, जब तमाम एक ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो वो रिजेक्ट करता है। ही एक्सेप्ट एन ऑफर एंड सेज यस प्लीज व्हेन ऑल से नो थैंक्स, जब सब रिजेक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है। ही ट्राइज टू प्रिजर्व हिज इंडिविजुअलिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी में वो तमाम शोबों में अपनी इनफरादियत को कायम रखने की कोशिश करता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, ये लास्ट है, और इस पे डी जे इन राइट जो पोइट है वो यहाँ पे अपने रिमार्क्स देते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे बागी मौजूद हैं, लेकिन आगे कहते हैं यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, कहते हैं कि आप इस चीज़ को जो है वो अच्छा नहीं पाएंगे कि आप भी उनमें से एक हो जाएं, यानी उनमें उन रिबल में से, उन बागियों में से एक होने को आप अच्छा नहीं पाएंगे, यानी आपको नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, रिबल्स हैं तो ठीक है रहें, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए, ये भी साथ में जो है ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी पढ़ेंगे। एट द एंड डी जे इन राइट ह्यूमरसली रिमार्क्स दैट इट इज़ गुड टू हैव रिबल्स अराउंड अस, कहते हैं रिमार्क्स देते हुए कहते हैं अपने कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बागी मौजूद हैं, दे आर फनी एंड फैंटास्टिक एक्शंस प्रोवाइड ह्यूमर एंड डिलाइट, उनके जो मजाहिया और ये चमकीले या इस तरह के काम, फैंटास्टिक एक्शंस जो हैं, ये हमें मजाह और खुशी का समा जो है देते हैं, मुहैया करते हैं, फराहम करते हैं।
However, ताहम the poet jokingly warns us to glance into our mind. वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में हमें जो है वो वार्निंग देता है, वो वार्न्स करता है अपने जहन में इसकी एक झलक बिठाने एंड इंश्योर, और इस बात को यकीनी बनाने पर वार्न करता है दैट अ रिबल इज़ नॉट सिटिंग देयर, के जो बागी है वो नहीं बैठा हुआ, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू बी वन, क्योंकि हम उसमें से नहीं होना चाहते. यानी कि वो बेसिकली कहना ये चाहता है कि हर जगह पे रिबल है नहीं, क्योंकि हर कोई बनना नहीं चाहता. यानी कम है तो लिहाजा ज़्यादा जो है उन्हें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्यों नहीं बनते, क्योंकि रिबल बनना अच्छी बात नहीं है. ठीक है जी, बेसिकली इसमें इनसाइड या इनर जो है वो अब ये पैगाम जो है वो पहुँचाना. नेक्स्ट है जी कमेंट, नो वन कैन गो ऑन बीइंग रिबल टू लॉन्ग. ज़्यादा देर तक कोई रिबल नहीं रहता, कोई बागी बन के नहीं रहता विदाउट टर्निंग इंटू एन ऑटोक्रेट, बगैर इसके कि वो खुद मुख्तार हो जाए. खुद मुख्तार हुए बगैर कोई ज़्यादा देर तक रिबल नहीं रहता. ठीक है जी, फर्स्टली आप जो भी आपको स्टेंजा फॉर एग्जांपल ये मिलेगा, कोई भी मिलेगा इस पोएम का, तो आपको कुछ ऐसी लाइंस मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ जो फ़ौरन आप इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हुए लिखेंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप पहले वो लिखेंगे एंड देन आप इसके रिलेटेड ये लिखेंगे, या अपने से कुछ लिख सकते हैं तो वो लिखेंगे एंड देन आप इस कमेंट को कोट कर दीजिएगा. ठीक है जी, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ मल्टी आंसर शेयर करूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें आपके साथ जो है वो दो और मज़ीद जो है वो क्यूटेशन आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. क्यूटेशन जितने भी आप कोट कर सकते हैं किया करें, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी पेपर में इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं. कॉन्टेक्स्ट है जी, ये कॉन्टेक्स्ट है, इसकी ट्रांसलेशन इसकी रीडिंग मल्टी आंसर में करेंगे, क्योंकि ये मल्टी आंसर में से ही लिया जाता है, तो आप वो सुन के फिर इसको सुनिएगा समझिएगा, ताकि आपको यहाँ से इसे सेपरेटली याद ना करना पड़े. ये भी उसी में से लिया जाता है, ये भी वहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाजमी से लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट लाजमी किया करें. अल्लाह हाफिज़.